नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अज्ञात और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रामगंज मंडी क्षेत्र के कलिया कोई में जल जीवन मिशन की खामियों को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने उपखंड कार्यालय पर एसडीएम के नाम और खैराबाद पंचायत समिति में बीडीओ के नाम ज्ञापन दिया। वहीं मांग रखी कि जल जीवन मिशन योजना का मूल्यांकन किया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि कलियाई कोई गांव में आधे गांव वालों के नवों में पानी नहीं आ रहा है, जिसका स्थायी समाधान कराएं। जेजेएम से हुए आरसीसी इंटरलॉकिंग व नालियों के टूट फूट की मरम्मत कराई जाए। गांव के नलों में टोटियां लगाई जाए। जिन नलों की फिटिंग ठीक प्रकार से नहीं हुई उनको दुरुस्त कराएं और गांव में वॉश सिस्टम से एक निश्चित समय पर खोलने व बंद करने की व्यवस्था कराएं। वहीं योजना की खामियों को दुरुस्त नहीं किया गया है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है घरों में। बहुत दिनों से पानी नहीं पहुँचा रहे, जब से नल लगे तब से पानी नहीं आया है। बड़ी समस्या आ रही है, तो बहुत दिनों से एक दो बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो आज हमने सारों ने एकत्रित होकर एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, वहाँ भी देखा है और यहाँ विकास अधिकारी साहब को भी ज्ञापन दे दिया है। तो इस पर जल्दी कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम सोमवार या मंगलवार के दिन सारे धरना प्रदर्शन करेंगे, सारी महिलाएँ और गाँव के। क्या नाम है सभी? सुरेश गार्ड, सुरेश वार्ड पंच हूँ कालियापुरी से। के अलावा कहीं भी नहीं है, नल में भी पानी नहीं आ रही, बोले ढक्कन भी नहीं। पानी कहाँ से भर के लाओ? कहाँ से भर के लाओ? समस्या ये ऐसे ही रोता भर गया, ऐसे ही घूमता भर गया पानी का, बोले डब्बे ले ले जावा। एक तो हेडपम्प नहीं लगाओ तो ट्यूब वेल लगाओ, कहीं भी लगाओ, कभी नल नहीं आया तो फिर हेडपम्प से तो लाऊंगा नहीं। समय जगत न्यूज के लिए रामगंज मंडी से पप्पू गौड़ की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।